एक एहो जिहा गीत जो गलती नाल बनिया सी। ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਜੁਗਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, जुगनी जी की शुरुआत हुई ब्रिटिशर्स की एरा तो। होया एवें कि वह वक्त चल रहा है जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा है इंडिया से, तो उन्होंने राज पूरे हो गए सी 50 साल। हुण उन्होंने सोचा कि थोड़ी सैलीब्रेशन तो बनती है, तो उन्होंने जुबली सैलीब्रेशन लिए मद्दा ते बिश्ना दो फोक सिंगर्स नू बुलाया। हुण कहानी ट्विस्ट ए है कि मद्दा ते बिश्ना इलिटरेट से, अनपढ़ से, उन्होंने इंग्लिश नहीं आती सी। ते जद भी वह जुबली सैलीब्रेशन्स लिए गाउन जाते सी, ते जुबली शब्द उन्होंने तो बोलिया नहीं जाता सी, लेकिन जुबली की जगह जुगनी बोलन लग गए। गलती नाल ही हुई चीज़ पर लोगों इन्नी पसंद आई, इन्नी पसंद आई कि सारे की जुबाना ते जुगनी शब्द चढ़ गया। कि ब्रिटिशर्स नूं महसूस होया कि इदा तो ये दोनों की गा रहे ने कि सारे की जुबाना ते एक ही शब्द है जुगनी। वह बहुत डर गए, की पता कि साढ़े कुछ खिलाफ तो नहीं बोल रहे। इस करके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मद्दा ते बिश्ना नू। ते ए भी कहा जाता है कि उन्होंने इन्ना मारिया गया कि उन्होंने मौत ही कस्टडी च हो गई। लेकिन अपने पिछे वो छड़ के गए जुगनी नाम की बहुत वड्डी लेगेसी, एक रिबेलियस गीत जिन्हें इंडिपेंडेंस नू शेप दिती। कदे किसी ने सोचा भी नहीं होना कि एक छोटी जी गलती इन्ना वड्डा इंपैक्ट ले आऊगी, ते जुगनी जी बन जाऊगी इंडिपेंडेंस का रिप्रेजेंटेशन। किन्नी हैरानी वाली गल है, म्यूजिक थोनों इन्ना इंपैक्ट कर देता है, इन्नी जगहों से थोड़ी हेल्प कर दिया। इस केस विच बगावत करन विच म्यूजिक ने हेल्प की। हौली हौली आलम लोहार जी ने जुगनी जी को रिलीज किया पाकिस्तान। कई लोग ये भी मानते हैं कि जुगनी शब्द का इनवेंट करने वाले आलम लोहार जी ही ने। उन्होंने कहा कि जुगनी का मतलब है जागने वाली, जगण वाली। इदा ही जुगनी नू इंडिपेंडेंस नाल भी कनैक्ट इसीलिए किया जाता है, जागने वाले, जगण वाले। इंडिपेंडेंस विच जुगनी जी ने लोगों नू जगाया, अवेयर किया, ते इसलिए बहुत सारे वर्जनस जुगनी दे बनते गए। आलम लोहार जी दे वर्जन तो बाद इंडिया विच भी बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट ने अपना जुगनी का वर्जन गाया। सुरिंदर कौर जी, गुरमीत पावा जी, गुरदास मान साहब, हरभजन मान साहब, सुखविंदर सिंह, जसपिंदर नरूला, हर्षदीप कौर, कनिका कपूर, ते साडे अपने दिलजीत दोसांझ। जुगनी जी इन्ना मशहूर हो गया कि फाइनली कुछ साल पहला कोक स्टूडियो विच आलम लोहार जी दे बेटे आरिफ लोहार जी ने अपना वर्जन गाया, ते ओ वर्जन सब तो ज़्यादा मशहूर होया। हर यंगस्टर दे जुबान ते जुगनी जी ही सीगा। पंजाब विच बनी जुगनी जी की लहर सिर्फ पंजाब तक नहीं रही, वह पहुंची बॉलीवुड तक। सब तो वड्डियां वड्डियां बैनर वाली फिल्म्स, तनु वेड्स मनु, हाईवे, ओए लकी लकी ओए, कॉकटेल एंड पता नहीं होर किन्नियां, ये सब फिल्मों यूज होया जुगनी जी के वक् वक् वर्जनस। ये सारे वर्जनस इन्ने मशहूर होए कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, जुगनी जी फिर बन गया पूरे इंडिया का फेवरेट सॉन्ग। मेरा सब तो फेवरेट वर्जन है आरिफ लोहार जी का गाया होया जुगनी। आई एम श्योर थोड़ा भी कोई फेवरेट होगा। मैनू दसो कमेंट सैक्शन विच अपना फेवरेट वर्जन जुगनी का, तो मैं थोड़े लिए लैके आऊँगी इदा दे होर इंट्रस्टिंग एंड प्यारियाँ कहानियाँ। एंड साढ़े नाल जुड़े रहो ते वेखते रहो पिटारा टीवी। अपनिया फेवरेट पंजाबी फिल्मां अते शोज़ देखने लई सबस्क्राइब करो पिटारा दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते प्रेस करो बेल आइकन, कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करन लई।